हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली पटवारी और दलाल एसीबी की गिरफ्त में। पटवारी कमल किशोर दर्जी और दलाल चीकू राम सांसी 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप, एसीबी जालौर की कार्रवाई। जालौर एसीबी टीम ने पाली में ट्रैप की कार्रवाई करते हुए पटवारी और दलाल को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपित पटवारी की ओर से जमीन मामले में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के अवज में परिवाद से रिश्वत की मांग की जा रही थी। रिश्वत नहीं देने पर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। जालौर एसीबी के एएसपी महावीर सिंह रणावत के मुताबिक परिवादी ने जालौर एसीबी ने शिकायत दी कि एसडीएम कोर्ट के फैसले की पालना में रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना था। इसको लेकर पाली के पटवारी हलका द्वितीय कमल किशोर दर्जी और दलाल चीकू राम परिवादी से बतौर रिश्वत 30,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस पर टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद एसीपी के निरीक्षक राजेंद्र सिंह और उनकी टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। एएसपी रणावत ने बताया कि एसीपी के ट्रैप की कार्रवाई में पाली के आशापुरा नगर निवासी पटवारी कमल किशोर दर्जी पुत्र ताराचंद दर्जी को रिश्वत के 30,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी की ट्रैप कार्रवाई में पटवारी का दलाल पाली के न्याय गांव निवासी चीकू राम सासी पुत्र बन्ना राम सासी को गिरफ्तार किया गया। जागरूक टीवी की पाली से खास रिपोर्ट।